मैजिकल गोल्डन हैंडपंप। एक गांव में कंचन नाम की लड़की रहती थी। जब वो छोटी थी तभी उसकी माँ गुजर गई, इसलिए उसके पिताजी रामदेव ने सरला नाम की औरत से दूसरी शादी कर ली। रामदेव के सामने सरला कंचन की बड़े प्यार से देखभाल करती थी, लेकिन जब रामदेव घर पर नहीं होता था तब सरला कंचन से सारा घर का काम कराती थी। सरला की भी एक बेटी हुई, नाम था दिया। तब कंचन का हाल और भी बिगड़ गया। कुछ दिनों बाद रामदेव का देहांत हो गया तो कंचन की तो एकदम हालत बिगड़ गई। वो घर में नौकरानी बनकर रह गई। कंचन और दिया धीरे धीरे बड़े हुए। सरला दिया के लिए शादी के रिश्ते ढूंढने लगी। ये क्या कर रही हो सरला? घर में कंचन बड़ी बेटी होते हुए तुम दिया के लिए रिश्ते ढूंढ रही हो? ये कहाँ का इंसाफ है? अरे वो कलमुही के लिए रिश्ता ढूंढने लगी तो उसकी शादी होते होते मेरी बेटी बूढ़ी हो जाएगी। वैसे भी उस बदकिस्मती लोगों के साथ शादी कौन करेगा। कुछ दिनों बाद रतन और उसकी माँ दिया को देखने के लिए आए। कंचन ने उन्हें समोसे और चाय परोसा। रतन ने मीरा से कुछ कहा। देखी बहन जी, आप मेरी बातों को बुरा ना माने। मेरे बेटे को आपकी बेटी बहुत पसंद आई। वो कहता है कि शादी करेगा तो सिर्फ आपकी बेटी से, लेकिन आपकी छोटी बेटी से नहीं, आपकी बड़ी बेटी कंचन से। सरला गुस्से में, अरे इतनी सुशील मेरी बेटी को ठुकरा कर आप उस कलमुही से शादी करना चाहते हैं जिसकी कुंडली खराब है। देखिए बहन जी, मैं ये कुंडली वुंडली में विश्वास नहीं करती। हमें दहेज भी नहीं चाहिए, हमारे पास काफी जायदाद है। मेरे बेटे को कंचन बहुत पसंद आई, अब उसकी खुशी के अलावा मुझे और क्या चाहिए। यूं कंचन और रतन की शादी हो गई। रतन कंचन को बड़े प्यार से रखता था। मीरा भी कंचन को अपनी सगी बेटी की तरह देखती थी, लेकिन कंचन की खुशी सरला सह नहीं पाई। उसे इस बात का जलन था कि दिया की किस्मत को कंचन छीन के ले गई, इसलिए वो कुछ सोचकर मीरा के घर गई। आपको देखकर बहुत दुख होता है बहन जी, आपको मैंने बहुत समझाया पर आप उस कलमुही को घर लेकर आए। पता नहीं आप पर कैसी मुसीबत आने वाली है, बस आप तैयार हो जाइए, कहकर उसके कान भरने लगी। लेकिन मीरा ने इसकी ओर ध्यान नहीं दिया। कुछ दिन बीत गए। रतन का व्यापार में नुकसान हो गया। तरला जो मौके की ताक में थी वो आकर मीरा से, मैंने कहा था ना बहन जी, अरे वो कलमुही जन्म लेते ही अपनी माँ को खा गई। मैंने बड़े प्यार से पाला तो मेरे पति को ही खा गई। इस कलमुही की वजह से ही मेरी बेटी का भविष्य खराब हो गया। आपके घर आकर एक साल भी नहीं हुआ, आपके बेटे के बिजनेस में लॉस हो गया। कम से कम मेरी बात मान लो और उस कलमुही को घर से निकाल दो। मीरा सरला की बातों पर विश्वास करने लगी। रतन को काम के सिलसिले गांव से बाहर जाते हुए देखकर, तुम्हारी माँ ने हमें बहुत रोका, फिर भी सिर्फ इसलिए कि रतन तुम्हें बहुत पसंद करता है मैंने तुम दोनों की शादी कर दी। लेकिन आज ये साबित हो गया कि तुम्हारी माँ सच कहती थी। अब तुम एक पल के लिए भी घर में नहीं रह सकती, ये घर छोड़कर चली जाओ। अब दोबारा अपनी ये मनहूस शक्ल मेरे बेटे को ना दिखाना। कंचन दुखी होकर घर से चली गई। उसके समझ में नहीं आया कि वो कहाँ जाए। वो जंगल के रास्ते जाने लगी। थोड़ी देर बाद उसे बहुत प्यास लगी। वो पानी की तलाश करने लगी। उसे कुछ दूरी पर एक हैंडपंप दिखाई दिया। कंचन पानी पीने के लिए उस हैंडपंप को चलाने लगी। काफी देर हैंडपंप चलाने के बाद भी उसमें से एक बूंद पानी भी नहीं निकला। कंचन बेचारी थक गई। वो थोड़ी देर के लिए पेड़ के नीचे बैठकर आराम करने लगी। जब उसे आसपास और कहीं पानी नजर नहीं आया तो कंचन फिर से उस हैंडपंप के पास आई और उस हैंडपंप को बड़े जोर से मारा। उस पंप में से सोने के सिक्के गिरने लगे। ये देखकर कंचन हैरान रह गई। वो अपने मन में, इसके नीचे जरूर कोई बहुत बड़ा खजाना होगा, यूं सोचा।
फिर वो आसपास ढूंढने लगी। उसे कुछ दूरी पर जमीन पर एक फट्टा नजर आया। उसने उस लकड़ी के फट्टे को हटाया। कंचन को जमीन के अंदर सीढ़ियां नजर आई। उन सीढ़ियों से उतरकर कंचन अंदर चली गई। अंदर उसे बहुत बड़ा सोने का खजाना नजर आया। कंचन बहुत खुश हुई। कंचन उस खजाने को एक बैलगाड़ी में लादकर अपने ससुराल चली गई। कंचन को बैलगाड़ी भर के सोना लाते हुए देखकर मीरा हैरान रह गई। तभी रतन अपना काम पूरा करके घर लौटा। तब कंचन ने रतन और मीरा को जो कुछ हुआ सब बताया। वे दोनों बहुत खुश हुए। कंचन बेटे, तुम्हारी माँ की बातों में आकर मैंने तुम्हें घर से बाहर निकाल दिया, मुझे माफ कर दो बेटी। कंचन की किस्मत के बारे में सुनकर सरला और जलने लगी, लेकिन वो बेचारी कुछ कर नहीं पाई। कंचन कुछ सोने के सिक्के लेकर सरला के पास गई। माँ, इन पैसों से हम दिया की शादी बड़ी धूमधाम से करेंगे। मुझे माफ कर दो बेटी, मैंने तुम्हें घर में नौकरानी की तरह रखा था और तुम्हारे खिलाफ तुम्हारे सास के कान भरने लगी थी मैं, लेकिन फिर भी तुमने मेरे भला ही सोचा। उस दिन से सब खुशी खुशी रहने लगे। अंडरग्राउंड सीक्रेट गोल्डन बंकर हाउस। एक गांव में भरत टैगोर नाम का एक धनवान रहता था। उसकी पत्नी का नाम था भूमिका चावला। उसके शरीर पर हमेशा बहुत सारा सोना होता था। भरत टैगोर के कई किस्म के व्यापार थे। वैसे कमाए काले धन को वो अपने घर पर ही छिपा कर रखता था। एक दिन भरत टैगोर को एक पुलिस वाला फोन मिलाकर, भरत भाई आज आपके घर पर इनकम टैक्स वाले रेड करने वाले हैं, ध्यान से रहिए। अरे अब क्या करूं, इनकम टैक्स वाले रेड के लिए आ रहे हैं, अब इतना सारा पैसा कहां छुपाए। आप फिक्र मत करिए, जो मैं कह रही हूं वो करिए, कहकर क्या करना है वो बताई। फिर दोनों मिलकर पैसों को एक रूम में रखे। भूमिका उस रूम में रहकर ताला लगा दी। तब इनकम टैक्स वाले आए, सारा घर ढूंढे, लेकिन उन्हें कुछ दिखाई नहीं दिया। भरत जी, आपके घर में हमें कुछ मिला नहीं, अब बस ये एक रूम ही बाकी है। जाओ, जाकर उस रूम में ढूंढो। ऐसे कहा अपने ऑफिसर से। खिड़की से भूमिका, सर आपको कोई गलत सूचना मिली है सर, इस रूम में भी कुछ नहीं है सर, मुझे चाइना वाली बीमारी हुई है, इसीलिए यही रूम में हूँ, आपको मंजूर हो तो ढूंढ लीजिए। यूं खांसने लगी। इससे ऑफिसर डरकर, अब बाप रे, रहने दीजिए, जिंदा रहे तो बटानी खाकर भी जिंदा रह लेंगे, रे चलो भाई चलो, कहकर सब निकल गए। तुम में कोई होशियारी नहीं है, वरना इतने पैसे भला कोई घर पर रखता है क्या? ये उन्हें मिल गया होता तो क्या करते? जो मैं कह रही हूँ वो करो। ये सारे पैसों को सोने में बदलकर एक अंडरग्राउंड सीक्रेट गोल्डन बंकर हाउस बनवाओ, तब किसी को शक नहीं होगा। लेकिन उसे बनवाने के लिए भरोसे के लोग चाहिए, वे कहाँ मिलेंगे वो ढूंढो। एक और बात, उन्हें एक दूसरे से कोई परिचय नहीं होना चाहिए। एक दिन वीरू सोमू नाम के लोग भरत के पास आए। श्रीमान, मैं बिहार से आ रहा हूँ, मेरा नाम वीरू है, हमारे मालिक आपके दोस्त है ना, उन्होंने ही मुझे यहाँ भेजा, कोई काम है यूँ बोल रहे थे, क्या काम करना होगा? मेरा नाम सोमू है, मैं तेलंगाना से आ रहा हूँ, मुझे भी भरत जी के दोस्त ही भेजे थे, बताइए क्या काम है? आप लोगों को एक अंडरग्राउंड गोल्डन हाउस बनाना होगा। बनाते वक्त तुम लोग बिल्कुल बात भी नहीं कर सकते। बनाने के बाद अपने अपने रास्ते निकल जाओगे, एक दूसरे से परिचय तक नहीं कर सकते। बाहर कहीं ये बात पता चली तो तुम लोग हमारे हाथों जरूर मारे जाओगे। दोनों ठीक है कहते हुए सर हिलाए। फिर दोनों मिलकर एक अंडरग्राउंड सीक्रेट गोल्डन बंकर हाउस का निर्माण किए। वे दोनों बात तक ना करे वैसे भरत भूमिका दोनों वहीं खड़े होकर निगरानी देने लगे।
आखिरकार घर पूरा बन गया। वो देखकर भरत वाले बहुत खुश हुए, उन दोनों को पैसे दिए। वे दोनों वहाँ से जाने के बाद ये दोनों वहाँ एक स्विमिंग पूल में तैरने लगे। बिस्तर पर लेटकर करवटे लिए, खाना खाकर टीवी देखे। घर से बाहर आते ही वीरू सोमू एक वाइन शॉप के पास शराब पीने लगे। दोनों बातें करते हुए एक दूसरे से अपना परिचय कर लिए। ऐसे शराब पीते पीते दोनों को खूब चढ़ गई और नशे में आ गए। कुछ देर बाद दोनों के बीच लड़ाई भी शुरू हो गई। क्या रे, मैंने जो स्विमिंग पूल बनाया उसका फिनिशिंग ठीक नहीं है कह रहे हो? असल तेरे हाथ से बनाया हुआ दीवार पर गोल्ड का डिजाइन तो एकदम खराब है रे। वो बात बताने ही वाला था कि वे दोनों बीच में खड़े हुए थे, कमीने। दीवार पर डाला सोना अच्छा नहीं है कह रहे हो? वो लेटेस्ट टेक्सचर है रे, मूर्खों के मूर्ख। तुम्हें काम भी नहीं आता है क्या? किस पागल ने तुम्हें भेजा है रे? कहते हुए बोतल से उसके सर पर मार दिया। वीरू उसे फिर मारकर, मेरे मालिक को डांटोगे? तुम्हें काम भी नहीं आता है क्या पागल? कहते हुए उसका शर्ट पकड़ लिया। इस तरह दोनों बहुत लड़ने लगे। इतने में पुलिस वाले वहाँ आए। वे दोनों को रोककर उन्हें पकड़ लिए। अंडरग्राउंड सीक्रेट गोल्डन बंकर हाउस में पुलिस वाले उन दोनों को पकड़ कर लेकर आए। हेलो मिस्टर भरत टैगोर, इतना समय तुम काला धन जो कमाए उसे अच्छा घर ही बनवाए हो, लेकिन इन दोनों के लड़ाई के कारण हमें तुम्हारे बारे में पता चल गया। रे वीरू सोमू, तुम पर भी केस डालकर अंदर कर सकता हूँ, लेकिन दया खाकर छोड़ रहा हूँ, जाओ यहाँ से। कहते ही वीरू सोमू हाथ जोड़कर वहाँ से चले गए। फिर भरत टैगोर भूमिका चावला जेल में डाल दिए गए। मैजिकल बफेलो। एक गांव में किशन और कन्हैया नाम के दो चोर थे। कन्हैया शराबी था। एक दिन किशन, यार कन्हैया तेरे शराब की लत के कारण हम कई बार पकड़े जा चुके हैं, इस बार चोरी करके नहीं दिमाग लड़ाकर लोगों को ठगने का प्लान करते हैं, कहकर एक भैंस की ओर इशारा किया। ये क्या, तुम भैंस क्यों ले आए? कहीं तुम दूध का धंधा तो नहीं करने वाले हो? मैं ऐसे घटिया काम नहीं करने वाला। चल फुट, कहकर उसे भगा रहा था। अरे वो शराबी, जरा पूरी बात तो सुन। भगाते ही भागने के लिए एक कोई सचमुच का भैंस नहीं है, ये भैंस का खिलौना है। इसके अंदर बैठकर इसे चलाने का सारा प्रबंध किया है मैंने। तू इसे चला, बाबा का हुलिया बना लूंगा। हम इसका फायदा उठाकर पड़ोसी गांव के संपत सेठ को ठगेंगे। उसने लोगों को ठग कर खूब पैसे कमाए हैं। उसकी यही कमजोरी है कि वो कुंडली और अंधविश्वासों पर बहुत विश्वास करता है। हम उसका फायदा उठाकर उसे ठगेंगे, कहकर अपना सारा प्लान उसे समझाया। अगले दिन किशन ने बाबा का हुलिया बनाया। यार मैंने जो जो वस्तुओं के बारे में बताया सब अंदर रखा है ना? बिल्कुल रख दिया यार, मैंने कल से शराब पीना भी बंद कर दिया है। तू बिल्कुल चिंता ना कर, अपना प्लान कामयाब जरूर होगा। वेरी गुड यार, थैंक्स यार। फिर किशन उस भैंस के साथ चंपापेट गांव गया। भैंस के अंदर कन्हैया बैठकर उसे चला रहा था। तरह वे संपत सेठ के घर पहुंचे। संपत सेठ उन्हें देखकर, आप कौन हैं स्वामी जी, आप हमारे घर पधारे इसका क्या कारण है? मैंने सुना है कि तुम बहुत ईमानदार आदमी हो, तुमने जो पुण्य कमाया है उसका 10 गुना मुनाफा होने वाला है तुम्हारा। वो वक्त आ गया है, इसीलिए लक्ष्मी देवी कल रात मेरे सपने में आई और इस जादुई भैंस को तुम्हारे घर ले जाने को कहा। क्या ये जादुई भैंस है स्वामी जी? इसे मैं कैसे फल पाऊंगा स्वामी जी? इसे तुम जो कुछ खिलाओगे उसका 10 गुना ये पीछे से देगा, अभी जान जाओगे। एक सेब और केला लेके आना। तब संपत सेठ और उसकी पत्नी ने खुश होकर एक सेब और एक केला दिया। सेठ ने उस सेब को उस भैंस के मुंह में डाला। अंदर बैठे कन्हैया ने उस सेब को लिया और पीछे से 10 सेब बाहर फेंका। वो भैंस के पीछे से
गोबर की तरह आके गिरे। संपत सेठ हैरान हो गया। बाद में उसकी पत्नी ने केले खिलाए। अंदर बैठे कन्हैया ने पीछे की तरफ से बाहर 10 केले फेंके। ये देखकर वो बहुत खुश हो गई। संपत सेठ के पोते ने एक चॉकलेट उस भैंस के मुंह में डाला। पीछे से 10 चॉकलेट बाहर निकले। अरे वाह, ये भैंस तो बहुत बढ़िया है दादाजी, इसे हम अपने घर में रख लेते हैं। अरे तू ठहर जा बेटा। स्वामी जी, क्या ये केवल खाने के पदार्थ देती है या फिर पैसे और सोना वगैरह भी देती है? स्वामी जी क्यों नहीं देगी बेटा, मैं इसीलिए तो आया हूँ। मैंने तो सिर्फ ये एक सैंपल दिखाया है। तुम चाहो तो तुम्हारे घर में जो पैसे जेवर वगैरह हैं, इसे खिलाकर तो देखो। संपत ने खुश होकर मैं धन्य हो गया स्वामी कहकर घर में रखे सारे पैसे और जेवर लेके आया। उसने वो सारे पैसे और जेवर उस भैंस के मुंह में डाला। तब उसका सारा परिवार उस भैंस के पीछे गए और झुककर बड़े आस लगाए देख रहे थे, पर भैंस के अंदर से कुछ भी नहीं निकला। ये क्या स्वामी जी, कुछ बाहर क्यों नहीं निकला? अरे इतने जल्दी मचाओगे तो कैसे चलेगा? खाने की वस्तु हो तो बहुत जल्द हजम हो जाता है और बाहर निकलता है। पैसे और जेवर है ना, तो इसे पचने के लिए कम से कम 14 घंटे लगते हैं। कल सवेरे 6 बजे बोरियों के साथ तैयार रहें, लेकिन याद रखें मेरे आश्रम को कुछ चंदा जरूर दें। हमारे लिए आप इतना कर रहे हैं तो क्या हम आपके लिए चंदा भी नहीं देंगे स्वामी जी? कहकर प्रणाम किया। उस दिन रात को किशन उनके घर सोया। तभी एक शराबी एक फुल बॉटल लेकर उस भैंस के पास पहुंचा। अरे जादुई भैंस, ये फुल बॉटल ले लो और इसके बदले में मुझे 10 फुल बॉटल दे देना प्लीज, कहकर उसके मुंह में फुल बॉटल रखा। अंदर बैठा कन्हैया, अरे वाह, शराब की एक बूंद को तरस रहा हूँ मैं, किसी महापुरुष ने ये फुल बॉटल मुझे दिया है, कहकर वो सारी बॉटल पी गया। बाहर शराबी पीछे पूंछ के पास खड़ा होकर देख रहा था। थोड़ी देर बाद खाली बोतल बाहर निकली। वो उसे देखकर दंग रह गया, हड़बड़ाकर वहां से चला गया। कन्हैया नशे में चूर हो गया। उसका हाथ एक बटन को दबाने लगा, बस वो भैंस वहां से भागने लगी। वो भागते भागते गांव के अंदर गई। कन्हैया एकदम नशे में चूर था। वो भैंस कहकर आवाज देते हुए भागने लगी। ये आवाज सुनकर गांव वाले सारे घरों से बाहर निकलकर उसे देखने लगे। उस भैंस के पीछे से रुपए और जेवर बाहर गिरने लगे। अरे वाह, जादुई भैंस ने हम पर कृपा की है, कहकर चिल्लाने लगा। तब सब गांव वालों ने उन रुपयों और जेवरों को उठाना शुरू किया। वो भैंस सारे गांव का चक्कर लगाते हुए रुपए और जेवर बाहर गिरा रही थी। सब गांव वाले उसे उठाने लगे। आखिरकार वो भैंस संपत सेठ के घर लौटी। थोड़ी देर बाद किशन उस भैंस के पास गया और अरे यार चलो चलते हैं यहाँ से। अंदर कन्हैया खराटे मार रहा था। अरे उठ जा यार, सुबह होने से पहले हमें गांव से बाहर जाना होगा। अरे दरवाजा खोल, कहकर उस भैंस को जोर से मारने लगा। अंदर कन्हैया खराटे मार रहा था। लगता है इसने फिर पी ली है, कमबख्त मेरा बेड़ा गर्क कराएगा। पहले अंदर से पैसे और जेवर लेकर यहाँ से भागना होगा, कहकर एक कुल्हाड़ी लेकर उस भैंस का दरवाजा तोड़ने लगा। वो टन टन की आवाज सुनकर संपत सेठ, उसके परिवार वाले और नौकर चाकर सब बाहर आए। क्या हुआ स्वामी जी, आप इस जादुई भैंस को क्यों मार रहे हैं कुल्हाड़ी से? इससे पहले कि किशन कुछ कहता, अंदर बैठा कन्हैया, है कौन हो तुम लोग? मैं सो रहा हूँ और तुम लोग डिस्टर्ब कर रहे हो, बंद करो बकवास वरना मार डालूंगा। ये सुनकर सब दंग रह गए। उनको सारी बात समझ में आ गई। नौकरों ने उस भैंस का दरवाजा खोला, कन्हैया को बाहर खींचा। संपत सेठ ने अंदर झांक कर देखा तो ना रुपए थे ना ही जेवर। उसने तुरंत पुलिस को बुलवाया। पुलिस ने आकर उन दोनों को गिरफ्तार किया।
पुलिस स्टेशन में कन्हैया को पुलिस ने कई बार पूछताछ की, पर वो हर बार यही कहता था, मुझे नहीं मालूम सर, उन रुपयों और जेवर का क्या हुआ, सचमुच मुझे नहीं मालूम, कहकर हाथ जोड़ने लगा। पर गांव वाले उस जादुई भैंस के तस्वीर को हार पहना कर हर रोज उसकी पूजा करने लगे।